वफाकी दारुलहुकूमत में गैर कानूनी इज्तमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी दारुलहुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इकदाम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए कि एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरतहाल पैदा न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। बताया गया कि कारकुनान का रेड जोन में इज्तमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। फौज तैनात है और दफा 144 का नफाज है। इस सूरतहाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी।